तो बच्चे उन बच्चों के सुझाव लेकर आपके सामने आया हूँ जिस तरह से उन्होंने पढ़ाई की है, जिन बच्चों ने नीट में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं। कैसी इंस्पिरेशनल कहानी बताना चाहता हूं, जिसको अगर आपने सुन लिया और उससे अगर आप इंस्पायर्ड हो गए ना बेटा, तो ये साल नीट एग्जाम 2025 का जब रिजल्ट आएगा तो तुम्हारे घर में खुशियां ही खुशियां होगी। सर बायो और केमिस्ट्री हो जाती है लेकिन फिजिक्स में डर लगता है, फिजिक्स में कॉन्फिडेंस आ ही नहीं पाता। सर स्टार्टिंग के एक महीने तो बहुत मजा आता है, उसके बाद धीरे धीरे हमारा मोटिवेशन डाउन होने लगता है। क्या सर कोई ऐसा तरीका है जिस तरीके से पढ़ाई कर कर हम 180 में से 180 मार्क्स को सिक्योर कर सके? तो बच्चे उन बच्चों के सुझाव लेकर आपके सामने आया हूं जिस तरह से उन्होंने पढ़ाई की है, जिन बच्चों ने नीट में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं। बेटा वो सारी बातें इन 3 पॉइंट्स के अंदर है बस, लेकिन इन 3 पॉइंट्स को समझाने से पहले मैं आपको एक ऐसा मोटिवेशन, एक ऐसी इंस्पिरेशनल कहानी बताना चाहता हूं जिसको अगर आपने सुन लिया और उससे अगर आप इंस्पायर्ड हो गए ना बेटा, तो ये साल नीट एग्जाम 2025 का जब रिजल्ट आएगा तो तुम्हारे घर में खुशियां ही खुशियां होगी। ये बात अच्छी तरह से आप समझ लेना। और ये कहानी है बेटा एक ऐसी लेडी की, एक ऐसी इंसान की जिनका नाम है अरुणिमा सिन्हा। एक ऐसी लेडी जिनका एक एक्सीडेंट हो जाता है, ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें वो अपना एक पैर गवा देती हैं, लेकिन वो अपने दिमाग में एक चीज अच्छी तरह से सेट कर लेती है कि मुझे अब कुछ ऐसा करना है कि लोग ये बोल पाए कि अगर ये कर सकती हैं तो भैया हम तो हर तरह से सक्षम है, हम तो कर ही सकते हैं। और बेटा इन्होंने वो काम करके दिखाया जो लोगों के हाथ पैर सब सही सलामत होने के बाद भी लोग नहीं कर पाते। और इस कैटेगरी में इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली फर्स्ट महिला है ये फर्स्ट महिला है बच्चों जिन्होंने इस कैटेगरी में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है और वहां जाकर तिरंगे को फहराया है। बेटा मैं केवल ये आपको बोलना चाहता हूं कि आप यहां से यहां का सफर बच्चों देखने में बहुत ऐसा लगता है कि हाँ यार ठीक है, पर बच्चों आप इसके बीच का वो दर्द, वो पेन जब महसूस करोगे ना बेटा, वो एक एक रात जो इन्होंने यहां से यहां तक के संघर्ष में निकाली होगी बेटा, जब आप उन दिनों को सोचोगे ना, तब आपको बात समझ में आएगी कि रियल संघर्ष क्या होता है। और संघर्ष और कुछ मकसद कुछ पाने के लिए ना बच्चों जी जान लगानी पड़ती है, सबको बहुत दुख झेलना पड़ता है बेटा। सक्सेस होने के बाद तो ठीक है लोग याद करता ही है, लोग याद करते ही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इनके उन पलों को देख सोचो जो इन्होंने यहां से यहां तक में बिताए होंगे। तो आपके लिए भी बच्चों मैं यही बोलता हूं कि अभी आप स्टडी शुरू करो यार, आप हर तरह से सक्षम हो, आपके पेरेंट्स ने आपको सारी सुविधाएं दे रखी है। क्या आपको केवल पढ़ाई करनी है, केवल आप वो भी नहीं कर सकते क्या, बताइए राइट? तो बच्चों यहां से ये वो इंस्पिरेशन है बेटा जो हमें लेनी चाहिए, ये है वो कहानियां, ये है वो रियल स्टोरीज और ये है हमारे हीरोज। अब बात करते हैं कि सर यस सर ठीक है सर वी विल, हम करेंगे सर। और बेटा मैं आपको एक बार बता दूं, अगर मेरी इस पूरे वीडियो का अगर किसी भी एक भी बच्चे को फायदा हुआ ना बेटा, तो वो केवल एक चीज लिखेगा और लिखने के साथ उसको फॉलो करेगा कि सर यस वी विल, बस उसको केवल ये बोलना है कि सर यस वी विल, और इस बात को अपने जहन में उतार लेना बेटा और नीट 2025 लिख देना सर यस वी विल, डन इट। वो 3 पॉइंट्स बड़े छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन उनको सीक्वेंस से करना है, तरीके से करना है, फॉलो करना है बेटा, 100% गारंटी में लेता हूं आप लोगों की। सबसे पहला होता है बेटा कंसिस्टेंसी। हम लोग सोचते बहुत हैं बच्चा, हम लोग सोचते बहुत हैं लेकिन हम लोग फिर उनको करते नहीं है बेटा, हमारी भी आदत खराब है। हम बार बार आपको बोलते हैं, बार बार आपको मोटिवेशन देते हैं, बार बार आपको कुछ तरीके बताते हैं, हमें पता है कि आप लोग नहीं मानते हो बातों को, आप में से बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो उनको फॉलो करते हैं, लेकिन हमारे जो वीडियोज है ना बेटा, हमारी जो मेहनत है ना, वो आप में से अगर एक भी बच्चा उसको सीरियसली फॉलो कर लेता है ना बेटा, तो हमारी जीत वही है बस। आप लोग सोचते होंगे बार बार टीचर आ जाते हैं, बार बार मोटिवेशन देते हैं, बार बार चीजें बताते हैं, क्यों, किसके लिए, तुम्हारे लिए बेटा, तुम्हारे लिए।
सबसे पहले होता है कंसिस्टेंसी। आप किसी भी चीज को सोच लेते हो उसके पीछे लगातार कंसिस्टेंट होकर मेहनत करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखना दुनिया में हमें भगवान ने सब कुछ तो दिया है, लेकिन एक कंसिस्टेंसी वाली जो पावर है ना बेटा, ये हम सबको नहीं मिली है, ये कुछ लोगों को मिली है। और मुझे पता है कि जो लोग इस वीडियो को देखेंगे उनमें ये पावर आएगी कि सर यस वी विल, और हम कंसिस्टेंस होकर पढ़ाई करेंगे। अगर उन्होंने सोच लिया कि मुझे रोज 3 घंटे पढ़ाई करनी है, तो फिर रोज 3 घंटे पढ़ाई करो। याद रखो रेस जब शुरू होती है ना, तो जरूरी नहीं कि जो स्टार्टिंग में बहुत तेज दौड़ता है वो जीतता है, नहीं, जो कंसिस्टेंसी से दौड़ता है ना वही जीतता है बेटा। इस बात को ध्यान रखना, स्टार्टिंग में 10 घंटे पढ़ के आगे जाके धीरे धीरे उस घंटों को कम कर देना, ये आपकी सक्सेस का मंत्र नहीं है। आपकी सक्सेस का मंत्र है लगातार सेम टाइम में पढ़ना। सेम अगर 2 से 3 घंटे, 3 से 4 घंटे आप देते हो बस, अगर आप फिजिक्स को दे रहे हो 2 से 3 घंटा रेगुलर दोगे नीट एग्जाम तक, बेटा कॉन्फिडेंस तो आना ही आना है। तो कंसिस्टेंसी बेटा सबसे पहला पॉइंट, तो कंसिस्टेंसी। आप जब भी सोच लेते हो अगर आपको डॉक्टर बनना ही है तो फिर इसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा, ध्यान रखना कंसिस्टेंसी इज मस्ट। अब आती है बात सर कैसे करें, फिजिक्स में क्या करें। ठीक, सबसे पहले आप जहां भी पढ़ रहे हो, जहां पर भी आप पढ़ रहे हो बेटा, सबसे पहले अपने क्लास नोट्स, हर टीचर अपनी पूरी मेहनत कराता है, सारी चीजें आपको बताता है बेटा, कोई भी टीचर हो, सबसे पहले क्लास नोट्स जो होते हैं उन नोट्स के जो क्वेश्चंस होते हैं बेटा उनको रफ कॉपी में सॉल्व किया करिए। बहुत इजी क्वेश्चन होता है कि हाँ भाई बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है उसको आप छोड़ सकते हो, अदरवाइज लिख लिख कर प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस का भी तरीका मैंने यहां पर मार्क किया हुआ, देखो OMR, यस ये तो सबसे स्टार पॉइंट है बेटा। प्रैक्टिस अब आज के बाद आप OMR से करना चालू कर दीजिए। जो भी बच्चे नीट 2025 में बैठने वाले हैं वो अगर प्रैक्टिस OMR से अभी से शुरू कर देंगे बेटा, तो जिस दिन उनका एग्जाम होगा उस दिन वो बच्चे याद करेंगे कि यार हमें सर ने वो बात बोली थी, हमने फॉलो करी, और आज हमें ये चीजें आज हम जब एग्जाम में भर रहे हैं, गोला फिल कर रहे हैं, तो सर हमें बहुत आपकी याद आ रही कि आपने हमें बताया और हमारी इतनी गजब प्रैक्टिस हो गई कि जहां लोग उसमें टाइम लगा रहे हैं ना सर, हम उसको बहुत इफिशियंसी के साथ कर रहे हैं। सबसे पहले आपने क्लास के जो नोट्स होते हैं उनको बेटा सॉल्व करिए, राइट। क्लास में जो कराया जाता है जो टफ क्वेश्चंस होते हैं उनको आप घर पे रफ कॉपी में फिर करिए। उसके अलावा PYQs आपके कंप्लीट होने चाहिए, उन बच्चों ने बताइए बेटा बातें जिन बच्चों ने फॉलो किया है, और उन बच्चों ने फॉलो करके नीट में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं। ठीक, इसके अलावा सर हम क्या करें, ठीक है सर हमने PYQ बहुत अच्छी तरह से कर लिया है, सर क्लास नोट्स भी हमने बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लिया है, अब बात आती है सर और क्या करें। यस, और आप क्या करेंगे, मॉड्यूल, या तो आप जिस भी इंस्टीट्यूट में हो वहां का मॉड्यूल करिए, या अगर कोई बच्चा बोलता है सर नहीं तो मैं तो बुक को प्रेफर करूंगा सर, ठीक है तो मैंने वो भी लिखा हुआ है, आप या तो सिंगेज बुक ले लीजिए या फिर यूनिवर्सल, या फिर ऐसी बुक जो आप पढ़ रहे हैं जिसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हो, जिसमें असेशन रीजन हो, जिसमें मैच द कॉलम हो, जिसमें स्टेटमेंट हो, यस आप उस बुक को प्रेफर कर सकते हो। मैंने यहां 2 बुक का नाम लिखा हुआ है, अगर आप चाहो तो इनको भी फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा आप जो भी बुक पढ़ रहे हैं उस बुक में जो चीजें मैंने आपको बताई वो होनी चाहिए लेटेस्ट नीड पैटर्न के अकॉर्डिंग, समझ गए बेटा। ठीक, बस ये इसके अलावा क्या करें सर, इसके अलावा और क्या करें, कुछ नहीं। इसके अलावा केवल आपको जो भी आपके टेस्ट होते हैं बेटा, जो भी आपको आपके टेस्ट होते हैं बेटा, वो टेस्ट आपको प्रॉपर तरीके से देने हैं, वो टेस्ट आपको ये मान कर देने हैं कि ये मेरा नीट का फाइनल एग्जाम है, और वो प्रैक्टिस करनी है आपको OMR के साथ। जितने भी घर पे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो, मानो आपने 10 से 15 क्वेश्चन का टारगेट किया, यार मुझे इस टॉपिक के 10 से 15 क्वेश्चन करने, OMR के साथ करिए। जब आप इसको OMR के साथ करेंगे ना बेटा, हो सकता है आपको स्टार्टिंग में 10 में से 2 ही क्वेश्चन आएगा, कोई बात नहीं, अरे आज 2 आ जाए, लेकिन आने वाले उस टाइम में, उस नीट 2025 का जब हम एग्जाम दे रहे होंगे ना, तब हमें 2 नहीं आने चाहिए, उसकी तैयारी हमें आज से शुरू करनी पड़ेगी। क्या मेरे ये 3 पॉइंट्स बेटा बहुत कॉमन पॉइंट्स हैं, एक ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट को करने से देखिए बेटा आपका कॉन्फिडेंस कैसे नहीं बढ़ता है। बच्चों हर बार आऊंगा, कुछ ऐसी बातें होगी जिससे अगर आपका फायदा हो सके तो फिर आऊंगा और फिर वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद जय भारत, नमस्कार।